अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग जा रहे हैं जहानपुर, तैयारी कर रहे हैं हम जी। रक्षा हाजिर है, डैनी साहब खड़े हैं, साकिब भाई खड़े हैं, तारिक भाई, साहिद भाई। जहानपुर की तैयारी है और आज बहुत ही सुहाना मौसम है। देखें कितना प्यारा मौसम है, हल्की हल्की बारिश है, आसमान पे बड़े बेहतरीन बादल हैं। रक्षा तैयार है, हम जाने लगे हैं जी। दोस्तों हम यहाँ पे असली सीमेंट फैक्ट्री मोड़ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमें आसिफ भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है और एक और दोस्त का इंतजार है, उसको यहाँ से उठाना है। असली सीमेंट फैक्ट्री मोड़ पे हम पहुंच चुके हैं। ये जो रोड आपको नजर आ रहा है, ये पिशावर से आ रहा है और ये गाड़ियां जो जा रही हैं ये रावलपिंडी को जा रही हैं और यहीं से आगे टेक्सला से आगे हमने खानपुर पे जाना है। ये आपको असली सीमेंट कंपनी का बोर्ड नजर आ रहा है। जी फ्रेंड्स, हम खानपुर के साथ जो गाँव है तरनावा, उसके पुल पे हम पहुंच चुके हैं और ये देखें हम यहाँ पे खड़े हैं और कितना है हसीन मंजर है। आज क्योंकि बारिश की थी और हम लोग यहाँ पहुँचने तक बहुत ही हमने इन्जॉय किया है। तरनावा पुल के पास हम पहुँच चुके हैं, अब हम आपको नीचे लेके जाएंगे पुल से नीचे। तारिक भाई ने भरपूर इन्जॉय किया और अपने पैसे खानपुर आके पूरे किए। ये देखें जी, हम तरनावा पुल के नीचे हैं, तारिक भाई शेक हैंड करते हुए। यहाँ पे आके हमने बहुत इन्जॉय किया और बहुत ही प्यारा मौसम था। आज हल्की हल्की जब हम निकले थे तो बारिश थी, अभी भी बादल बड़े घने किस्म के आपको नजर आ रहे होंगे। बहुत ही प्यारा मौसम है आज, और इस मौसम में तरनावा आके नहाने का मज़ा ही कुछ और। ठंडा ठंडा पानी है, पहाड़ों से आ रहा है ये पानी, तो बहुत ही ठंडा और मज़ेदार किस्म का पानी है। आप यहाँ पे आके बहुत ही इन्जॉय करेंगे, एक दफ़ा जरूर चेक करेंगे दोस्तों के साथ इन्जॉय के लिए। बहुत ही बेहतरीन जगह। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हमने बहुत ही इन्जॉय किया इस वीडियो में और बहुत ही अच्छा किस्म का डांस किया और न्यू स्टेप में डांस किया। अब इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे स्टेप देखने को मिलेंगे। दोस्त हमारे जो साथ आए थे वो खाना बना रहे हैं और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा माहौल को ठंडा कर लें, इसके बाद हम आपको लेके जाएंगे खाने वाली जगह जहाँ पे हम खाना पका रहे हैं। तो मैंने ज़रा सोचा कि अपने आप को थोड़ा ठंडा कर लूँ, फिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने क्या बनाया और कैसे बनाया, और उसके बाद डांस का प्रोग्राम होगा और आप बहुत ही इन्जॉय करने वाले हैं। इस वीडियो को लाइन तक एंड तक लाजमी देखिएगा। नहीं जी, हम खानपुर पहुंच चुके हैं जी। देखें जी, देखें आसिफ भाई खाना तैयार करने लगे हैं, खाना बन रहा है। आसिफ भाई खाना तैयार कर रहे हैं हमारे साथ और ये आसिफ भाई कुक क्या बना रहे हैं, देखते हैं जी हम क्या बनाने लगे हैं। आसिफ भाई क्या बनाने लगे हैं जी? ये तो जो है ना कटवा गोश्त आज बनाएंगे चूल्हा जलाने वाले लोगों के लिए। कटवा गोश्त बना रहे हैं तो इंशाल्लाह कटवा गोश्त तैयार किया जाएगा। सही है, तो इसमें इंशाल्लाह कटवा गोश्त में कटवा गोश्त में गोश्त भी होगा या खाली कटवा होगा? इसमें इंशाल्लाह 2 किलो व्हाइट टमाटर होगा। नहीं, कुछ लोगों को होता है ना वो चखते चखते ना तो कटवा खत्म हो, गोश्त खत्म होता है, कटवा रह जाता है पीछे, पता लगे बॉडी खत्म हो जाए। ये प्याज क्यों काट रहे हो यार? ये तो देखें जी, आग जलाने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, आग जलाई जा रही है भाई। ये हम क्रेट लेके आए थे, इससे हम गुजारा चला रहे हैं फिलहाल। ये हम देसी क्रेट से जो है ना आग लगाएंगे। देखें जी, आग जलाने की कोशिश की जा रही है और इस पर खाना पकेगा और आपको हम वक्त वक्त दिखाते रहेंगे हर स्टेज पे खाना अभी किधर पहुँचा है, अभी किधर पहुँचा है। ये देखें जी, इधर ये बड़ा ही पुरफजा मकाम है। तो आज वैसे भी बादल हैं और बड़ा मज़े का माहौल है। ये जगह है जी तरनावा शहर, आपने देखा होगा खानपुर से पहले आता है, टेक्सला चमसी रोड से थोड़ा सा आगे आए तो तरनावा नाम का गाँव आता है। ठीक है, यह पुल देख रहे हैं, पुल के नीचे है बड़ी मज़े की जगह, आगे हम आपको दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिए, वीडियो देखते रहिए और चैनल अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। खाना बनाने की तैयारी की जा रही है। ये देखें भाई, पानी का बंदोबस्त नहीं था तो शापर में पानी लेके आए हैं यहाँ पे। आप भी जब आए तो अपने साथ कूलर लेके आए हैं, हमें याद नहीं रहा।
डालें जी पानी डालें जी। देखे ऐसे पानी डालते हैं शापर के साथ। बस जी यस अभी ये बस बस ये हमारी हांडी तैयार होने लगी है जी। अभी हम इसको आग पे रखने लगे हैं। ये जाकर भाई हांडी चढ़ाते हुए जाकर भाई ने देचका रख दिया जी। अब ये पकने के लिए तैयार हो रहा है। और बड़े बड़े तूफानी जहाज चलने लगे हैं। बंदे हांडी रख के आ चुके हैं। अब ये खुद को ठंडा करने लगे हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर डांस प्रोग्राम करेंगे, फिर गर्म करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार किस्म का प्रोग्राम होने वाला है। वीडियो में बने रहिए, आगे आगे देखते रहिए। यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब ये देखेंगे जो रिज़ल्ट आप कैमरे का देख रहे हैं, ये वीडियो बनाई गई है सैमसंग A71 की मोबाइल के कैमरे से। और इस वीडियो में देखने के साथ साथ आपको ये भी मालूम होता रहेगा कि A71 का कैमरा रिज़ल्ट कैसा है। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। अभी आप इसको आगे बहुत ही इन्जॉय करने वाले हैं। ये देखें भैया हमारी हांडी तैयार हो रही है। कम नेड़े लग गया ना। आ गए जी बड़े भैया आ गए जी। शलंग शलंग हमारी हांडी तैयार हो रही है जी। उधर हम टाइम पास करने के लिए आगे पीछे जाओ लगा लिया।
यार तू पीछे हो गया नाल तू स्पोर्टर हो रहा है यार नाल तू यार नाल यार नाल कोई नहीं ना नहीं कितना ना तो बोल मेरे ਉਹਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਨਾਸੁਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ चलता नहीं शुरू हो जाए जी भाई खाना तैयार हो गया जी आ जाए जी और नाचने के बाद तो भूख भी बहुत ज्यादा लगती है माशाल्लाह जी बड़ा बेहतरीन सालन तैयार किया भाई ने दो दो चलो ठीक है तुसी हो जलो ना त्रै त्रै होने ना प्लेटा काट नहीं है या शाहपुर मां दे सलाद इस्तेमाल शाहपुर दे घर ठीक कर ला दो दो पंज हो जलो दो दो ए तुसी जाने तुसी तो हो जलो फिर जलो दो दो बाबा हेलो हां दो दो आज साल में पता मिला मुर्गी को ले गोल चीज मेरा एक बार और होना चाहिए यार
ਪੈਰ ਹੈ ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਹੁਣ ਪੈਰ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਮੱਛੀ 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 ਆਈ ਆ ਮੱਛੀ ਆਈ ਆ ਮੱਛੀ ਮੱਛੀ ਆਈ डुबकी लाओ डुबकी जी फ्रेंड्स देखें आप यहाँ पे शैम्पू प्रोग्राम शुरू हुआ जाता है। सब अपना अपना शैम्पू पकड़ के खड़े हो गए हैं। कोई सर पे लगा रहा है, कोई मुंह पे लगा रहा है, कोई किसम जुटी रोड के आई है। हेलो अच्छा बताएं जी आपको पानी कैसा लगा खानपुर का? बहुत जबरदस्त मजे गए। अच्छा एंजॉय किए? बहुत मजे। सानी भाई एक्सक्यूज मी कैसा लगा जी आपको खानपुर आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। लगता आपके आंखों में शैम्पू पड़ गया है। मुझे लग रहा है कि आपकी आंखों में ना शैम्पू पड़ गया है। आसिफ भाई आसिफ खान पानी आपको इधर आके तरनावा आके कैसा लगा जी? तरनावा नहीं सर, तरनावा है। आसिफ भाई ये देखें जरा, ये मैं आपको दिखाता हूँ नाजरीन, ये देखें इनकी आंखों में शैम्पू। ये मुझे लगता है आपकी आपको परनाला लग रहा है। एक मिनट मैं आप जरा आपकी आंखों में देखूँ गौर से, मुझे लग रहा है कि आपकी आंखों में शैम्पू पड़ गया है सर। ये हाँ इसको निकालें जरा भाई, ये शैम्पू लगाना पड़ता है। तो नावे का बड़ा साफ पानी है यार यहाँ तो, ये देखें जी पानी की कैफियत आपको दिखाते हैं। ये कौन उल्टा हुआ है? मुझे महसूस नजर आ रहे हैं आपको, दिखाओ जरा। बात सुने, पहले आपकी आंखों में शैम्पू पड़ गया था, अब आपके कानों में पानी पड़ गया? मेरे शैम्पू में आंखों में शैम्पू चला गया था, पड़ गया था। अभी उर्दू उर्दू तो अभी पंजाबी टोकने पे जी, उर्दू पंजाबी चैनल है ना इसलिए। शाह जी कबूल कर गए जी। शाह जी बताएं आपको तरनावा आके कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आ रहा है, बहुत आया कर रहे हैं। किसके साथ एंजॉय कर रहे हैं? यार दोस्त हैं, कजन है साथ में, चाचा का बेटा है। अच्छा अच्छा ये जो रजाक वाला है जो भाई है, ये अब तो ये जान सीना के बाड़ी वाला जो है, ये कौन है? ये भी हमारे फ्रेंड ही हैं। ये किधर से फ्रेंड है? पानी ने पानी हिलना डेढ़ भी हिलना साहू ऐसे कर रहे पब्लिक कर रहा मानी तकी सो डैनी साहब रो रहे हैं। मस्ती विद हस्ती शाह जी के साथ फुल एंजॉय किया आज हमारे सामने कोई आया उसको बैठ के रखूंगा मैं तो मैं नहीं पता ये कौन हो ये कौन हुआ ओए मने नु वाला मारे से मना नहीं मार सकते ओ शाह जी। अच्छा आप बताएं आपको तरनावा आके कैसा लगा सर? इस जगह माशाल्लाह मोटे दुबले पतले बंदे आए हुए हैं यहां और बेहतर हो बहुत अच्छा, बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं शाह जी के साथ। ऐसा लगा आपको? हम तो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ अटैक हो थोड़ा सा कशम कहना है लेकिन दोबारा बस नहीं चल रहा, हम लगा सकते हैं। ऐसे लगाओ झुमका जरा देखूं कैसे कह रहे थे हमारे भाई ये उमा का है वो वाला झुमका लगाओ ना वो वाला ये तीसरा महीना नजर आ रहा है इसका। नाजरीन यहाँ पे पत्थर उठाने का मुकाबला जारी है और आसिफ साहब के पीछे देखें पानी डाला जा रहा है ताकि इंजन गर्म ना हो और धुआं ना मारे, जब इंजन गर्म हो तो ठंडा रहे, इसलिए उनके पीछे देखें आप पानी डाला जा रहा है और ये पत्थर उठाने की कोशिश कर रहे हैं आसिफ साहब।
और ये बहुत ही वजनी पत्थर उन्होंने उठा लिया, बहुत ही मजेदार किस्म का पत्थर। ये देखें पीछे पानी डाला जा रहा था कि गाड़ी धुआं ना मारे, इंजन गर्म हो तो ठंडा टिका रहे। नाज़रीन यहाँ पे नासिर खान साहब पत्थर उठाने के लिए हाजिर हो चुके हैं। पत्थर को वो मजबूती से पकड़ने की कोशिश में, अपने पाँव जमीन पे मजबूती से रखते हुए ताकि वो फिसल ना जाए। और ये देखिए पानी डाला जा रहा था कि बहुत ही मजेदार किस्म कोशिश कर रहा है। और ये उन्होंने पत्थर उठा डाला और बहुत ही मजेदार छोटा सा पत्थर उन्होंने उठाया है। और देखिए वो पत्थर उठा के गिर पड़े हैं। उन्होंने पत्थर छोटा इसलिए उठाया कि जितने मोटे वो बड़े वो खुद इतना बड़ा पत्थर अगर वो उठा लेते तो डर था कि कहीं जमीन पर बोरिंग ना हो जाए और वहाँ पानी ना चलाए। इस डर की वजह से उन्होंने बड़ा पत्थर नहीं उठाया, छोटा सा पत्थर वो उठा के वो नीचे गिर गए हैं। यहाँ पे एक दफ़ा फिर नासिर खान साहब कोशिश करने लगे हैं पत्थर उठाने के, ये पत्थर उठाने की कोशिश में वो झुके हैं और इंजन पे पानी डाला जा रहा है। और इस दफ़ा देखते हैं क्या वो अपना बड़ा पत्थर उठाने में कामयाब हो पाएंगे। और इस दफ़ा भी उन्होंने छोटा सा पत्थर हाथ में लगवा रहे हैं, छोटा सा पत्थर उठा के दिल पे हाथ रख के पत्थर फेंक दिए। इस बार भी वो बड़ा पत्थर उठाने में नाकाम रहे। और वो बड़ा पत्थर इसलिए नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि वो अपने जिसामत से जितना बड़ा पत्थर उठा लेते हो तो बोरिंग होने का खतरा था, तो फिर जमीन से पानी निकला था तो फिर सैलाब आ जाता। और यहाँ पे जानसीना के बाड़ी वाले भाई आ गए पत्थर उठाने के लिए। पत्थर उठाने की कोशिश में पत्थर उठाया और वो सिर्फ गोड़ियाँ तक नहीं आ सके तो गोड़ियाँ पे आ गए सच रहा। यहाँ पे नासिर खान साहब अपनी सुथों और कपड़े ठीक करते हुए देखे, सुथों से चोला छंडिया पिछड़ों ठीक की थी पटना तोड़ गई। जानी साहब मैदान में आ चुके हैं पत्थर उठाने की कोशिश, बड़े ही जोशीले अंदाज में पत्थर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे पानी भी नहीं डाला जा रहा क्योंकि धुआं नहीं मारता, थोड़ा सा बड्डा जाके उन्होंने फेंक दिया है। तो बड़ी अच्छी कोशिश की थी उन्होंने, फिर कोशिश करने लगे हैं। तो जब शानी भाई की बारी है, शानी भाई अपनी ट्राई करते हुए पत्थर उठाने की कोशिश करते हुए इंजन में उनके पानी डाला जा रहा है और वो मना करते हुए ठंडा हो गया और पानी ना डालो, कोशिश करते हुए पत्थर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और नासिर खान साहब अभी कोशिश करेंगे उनके पीछे जाएँ ताकि इंजन धुआं मारे तो पीछे कोई उसको रोकने वाला हो। तो ये देखे उन्होंने पत्थर उठाया, थोड़ा सा उठाया और बस बस देखे इंजन धुआं मार गया और पीछे आके दूसरी गाड़ी पर टक्कर, दोनों गाड़ियाँ गिर गई हैं। और शानी भाई का इंजन धुआं मार गया, पत्थर भी साफ पाए, थोड़ा सा चाया तो फिर टह गया। तो यहाँ पे आसिफ भाई पानी पत्थर उठाने की कोशिश करते हुए, पानी में बड़ा पत्थर है वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ग्रिप मजबूत करते हुए इंजन पे इनके पानी डाला जा रहा है। तो क्योंकि इंजन इनका बहुत बड़ा है इसके चारों तरफ से पानी डाला जा रहा है और ये पत्थर उन्होंने उठाया गोडे गोडे तक आंधा और ये नीचे गिरा दिया पत्थर, तो गोडे गोडे तक इन्होंने पत्थर उठा लिया। तो इंजन इनका धुआं नहीं मारा, इनका काफ़ी बड़ा और मजबूत इंजन था तो इन्होंने बड़ी आसानी से पत्थर उठा लिए। अगली बारी पत्थर उठाने की जानसीना के बाड़ी वाले रिजाज भाई की है। इंजन पानी डाला जा रहा है, इनका भी इंजन बहुत बड़ा है, मुझे उम्मीद है कि पत्थर उठा लेंगे। पत्थर उन्होंने उठाया और ये देखें इन्होंने पत्थर धुनी तक लाया और फिर फेंक दिया। सब ने गोटे गोटे पत्थर उठाया था, उन्होंने धुनी पत्थर उठाया, इनका इंजन सबसे मजबूत और ताकतवर शुमार किया जाता था। और आज उन्होंने साबित किया कि इनका इंजन बहुत बड़ा है, बगैर धुआं मारे उन्होंने धुनी तक पत्थर उठा लिया। लो जी फ्रेंड, वापसी का टाइम हो गया, हम लोग वापस जा रहे हैं। गुड बाय तरनावा, गुड बाय, गुड बाय, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, फिर आना। ये देखें जी भाई, वापसी का टाइम हो गया फ्रेंड।